नमस्कार दोस्तों, क्रियो पैरामेट्रिक के लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्रियो पैरामेट्रिक में स्केच को दोस्तों बनाएंगे, ठीक है। स्केच जो मेरा रहेगा ये आपका यहाँ पे स्पार्क प्लग दोस्तों, ठीक है। स्पार्क प्लग का हम लोग यहाँ पे एज अ पार्ट हम लोग क्रिएट करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। ओपन कर लेते हैं दोस्तों फाइल को। तो सबसे पहले एक इमेज, उस इमेज को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, इमेज सेंटर में आ चुका है ऑलरेडी पूरा ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ ओके करते हैं। चलिए तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे ये नीचे वाला थ्रेड को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक्सट्रूड कमांड, इस प्लेन को लेते हैं, ठीक है, और स्केच करते हैं। एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, सपोज 135 लेते हैं, ठीक है, ओके करते हैं। और यहाँ से फ्रंट व्यू लेते हैं, इसको थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अभी चलिए इसको नीचे की तरफ यहाँ पे हम लोग यहाँ तक लेते हैं, यहाँ तक थ्रेड पोर्शन है मेरा, क्या 195 कर लेते हैं। चलिए और यहाँ ओके करते हैं, ठीक है, ये हो चुका है। अब इस पोर्शन से मुझे थ्रेड देना है, ठीक है। तो यहाँ पे चल जाते हैं वॉल्यूम, हेलिकल स्वीप में चल जाते हैं, रिफरेंस में यहाँ पे हेलिक्स प्रोफाइल को डिफाइन करना पड़ेगा। इस प्लेन में एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, एक सेंटर लाइन देना पड़ेगा आपको, ओके कीजिए। सेक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, सेक्शंस यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए लाइन के थ्रू। कट हो गया, यहाँ पिच का वैल्यू थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए और थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, अभी ठीक लग रहा है दोस्तों, ठीक है। वो स्केच भी ओपन यहाँ पे कर लेते हैं एक तरह से, ठीक है, देखिए मैच कर रहा है दोस्तों। चलिए यहाँ पे ओके करते हैं। चलिए तो मेरा एक पोर्शन से यहाँ पे दोस्तों बन चुका है, ठीक है। फ्रंट व्यू लेते हैं, अब यहाँ मुझे नीचे वाला पोर्शन यहाँ तक बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक स्केच को ड्रॉ करेंगे दोस्तों इस प्लेन में, नॉर्मली नहीं स्केच नहीं, यहाँ पे रिवॉल्व कमांड ले लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, प्लेन में लेते हैं रिवॉल्व कमांड, ठीक है, और यहाँ पे एक स्केच को ड्रॉ करते हैं दोस्तों। लाइन लेते हैं यहाँ से, आर्क लेते हैं, स्प्लाइन लेते हैं अभी,
ठीक है, ये वाला पोर्शन मेरा हो चुका है दोस्तों। अब डायरेक्ट बस यहाँ से ओके करते हैं। एक मिनट, एक सेंट्रल लाइन मेरा रह गया है। ओके करते हैं। चलिए ये पोर्शन मेरा रिवॉल्व हो चुका है, यहाँ पे ओके करते हैं। चलिए ये पोर्शन मेरा बन गया। अब ये टॉप वाला पोर्शन मुझे बनाना है, ठीक है। तो टॉप वाला पोर्शन के लिए मुझे एक्सट्रूड कमांड का मदद लेना पड़ेगा और ये प्लेन को, एक मिनट, इस प्लेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक हेक्सागोनल आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे पैलेट्स में चल जाइए आप, यहाँ पे वन हंड्रेड टेन कर लेते हैं, ठीक है। ओके करते हैं, ओके करते हैं, इसको स्केच को ओके करते हैं, ठीक है। फ्रंट व्यू लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ तक है इसका, यहाँ तक है, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा दोस्तों। हंड्रेड फाइव रखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो चुका है ये, इसको ओके करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्या करते हैं, रिवॉल्व टूल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्केच को डिफाइन करेंगे इस प्लेन में, यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे दोस्तों। ये लाइन ड्रॉ कर लिए, एक सेंट्रल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। इसको बाहर की तरफ मटेरियल रिमूव कर लीजिए, ठीक है अभी। चलिए और यहाँ ओके करते हैं। ये पोर्शंस मेरा बन चुका है दोस्तों, ठीक है। अब ये टॉप वाला पोर्शंस मुझे यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे रिवॉल्व कमांड का लेंगे यूज, ओके करते हैं, यहाँ पे स्केच को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन को प्रोवाइड कर लेते हैं, ओके करते हैं, यहाँ पर करते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर से एक हम रिवॉल्व टूल का यूज करेंगे, फ्रंट प्लेन लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सर्किल को ड्रॉ करेंगे दोस्तों।
सेंटर लाइन ले लेते हैं, ओके करते हैं और यहाँ मटेरियल रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, ओके करते हैं। ये पोर्शंस हो गया। अब इस वाले पोर्शंस में मुझे स्वीप करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम स्वीप स्केच करते हैं, इस प्लेन में स्केच करते हैं, यहाँ पे लाइन लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर लाइन, सेक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं, ओके करते हैं। पिच का वैल्यू थोड़ा सा यहाँ से घटा देते हैं, देख लीजिए, ठीक है, अभी ओके करते हैं यहाँ से। चलिए ये पोर्शंस हो गया आपका दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग राउंड प्रोवाइड कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके अगला सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। चलिए ये पोर्शन स्टॉप का हो गया। अब मुझे करना है बॉटम वाला पोर्शन, ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग एक्सट्रूड कमांड लेते हैं, यहाँ पे स्केच को डिफाइन करेंगे दोस्तों, फ्रंट प्लेन लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आउटर सर्किल को कम करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये हो चुका है। यहाँ पे एक और स्केच को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, नो इसको बाद में ड्रॉ करेंगे दोस्तों, ओके करते हैं और यहाँ पे इसको 20 करके ओके करते हैं, ठीक है। फिर से मुझे ये वाला प्लेन चाहिए, एक्सट्रूड चाहिए, एक रेक्टेंगल यहाँ पे, एक मिनट, फ्रंट प्लेन लेते हैं, यहाँ तक हो गया, इसको ओके करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वाला पोर्शंस मेरा बन चुका है, अब मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है, तो एक यहाँ पे स्केच कर लेते हैं इस प्लेन में, आर्क लेते हैं, और एक लाइन लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे स्वीप कमांड का यूज करते हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है लाइन को, बस स्केच करना, और यहाँ पे सेक्शन जो स्वीप होगा आपका रेक्टेंगल होगा,
देखते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ करना पड़ेगा दोस्तों, एक मिनट। एडिट, स्केच को थोड़ा एडिट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब फ्रंट व्यू लेते हैं इसका। देखिए बन चुका है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मुझे कलर करना है। व्यू में चल जाइए, आप इसको इमेज को हाइड कर लीजिए पहले तो। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट बन चुका है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों जब फाइनल हम लोग कलर कर लेंगे तो ऐसा मेरा फाइनल पार्ट्स होगा दोस्तों। ठीक है, कलर आप लोग अपना जो भी है सिलेक्शंस के हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो ये जो है मेरा फाइनल आपका रिव्यू हो जाएगा दोस्तों। देखिए देखिए ये बन चुका है पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो होप ये वाला जो दोस्तों आपका पार्ट्स मेकिंग का जो लेक्चर था आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।